भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला हमीरपुर कमेटी ने गांधी चौक पर रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, जिला सचिव विवेक राणा भी मौजूद रहे। सभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है और देश मंदी की चपेट में है। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हमीरपुर ने अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर गांधी चौक हमीरपुर में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राज्य अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, जिला सचिव विवेक राणा, विशाल रंगड़ा, रजत मुकेश कुमार सहित दर्जन युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत की जनवादी नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार की नीतियों के चलते देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, जिसके चलते आज भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक पहुंच गई है। लाखों लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है और आगे भी बहुत सारे लोगों की नौकरी खत्म होने के कगार पे है। उन्होंने कहा कि सारा काम ठेका और आउटसोर्स प्रणाली के तहत किया जा रहा है और इस प्रणाली के तहत कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। प्रदर्शन के माध्यम से DYFI ने मांग की है कि युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध किया जाए और आउटसोर्स प्रणाली बंद की जाए, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वो सांसदों व विधायकों की पेंशन बंद की जाए। बड़े शर्म की बात है, जो कांग्रेस और भारत की जो सरकारें हमारे प्रदेश के अंदर रहती है, कोई भी सरकार अभी तक विवेक राणा है भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI का जिला का सचिव। आज हम अपनी राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर 16 सितंबर को रोजगार मांग दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर इस तरह के धरने प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। हम जिस मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा मानना है कि युवाओं के लिए स्थायी व पक्के रोजगार प्रबंध हो। हम मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जो सारे उद्योग हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं या फोर लेन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर प्राथमिकता के आधार पर 70% जो है वो हिमाचली युवाओं को रोजगार दिए। इसके साथ साथ जो ठेकेदार और आउटसोर्स प्रणाली के तहत जो लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा है उसको बंद किया जाए और जिन लोगों को आउटसोर्स प्रणाली के तहत रखा गया है उनके लिए स्थायी करने की नीति बनाई जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज पिछले 45 वर्षों में जो बेरोजगारी की दर है सबसे ज्यादा है। हम प्रदेश की और प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं युवाओं के लिए जो है वो स्थायी रोजगार की नीति बनाई जाए। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।